तो एक बहुत बड़ी उलटफेर की न्यूज़ सामने आ रही है दोस्तों कि अब दुबई का वीज़ा जो भारतीय पासपोर्ट पर नहीं लगेगा। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि ये जो नया अपडेट आया है आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि कम नॉलेज की वजह से दोस्तों आपको ट्रैवल में प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो दोस्तों लगभग लाखों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट पर कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या ये न्यूज़ सही है या गलत है। तो दोस्तों आपको पता है कि एक साल पहले ही से हुआ क्या था कि हम जब यहाँ पे आते थे तो हमारे पासपोर्ट पर जब दुबई का वीज़ा है, यूएई का वीज़ा है, वो पेस्ट किया जाता था, मतलब वीज़ा स्टंपिंग होता था। आप देखते होंगे ऑरेंज कलर का आपके पासपोर्ट पर, जो लोग यूएई दुबई में हैं उनको पता है कि ऑरेंज कलर का हमारा पासपोर्ट पेस्ट किया जाता था उस पर, पासपोर्ट पे। लेकिन दोस्तों बीच में गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया था कि अब वो ऐसा कुछ नहीं होगा और जो भी आपका वीज़ा का प्रोसेस होगा, जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमारा इमरत आईडी बनता है, तो इमरत आईडी में ही सारा डिटेल होगा और वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग को वीडियो बना के बोल रहे हैं कि नहीं अब दुबई का वीज़ा, तो ये दो तरीके से गलत खबर है दोस्तों। एक तो है कि आपको ऐसा नहीं है कि वीज़ा नहीं मिलेगा, हाँ वीज़ा स्टंपिंग नहीं होगा, ये सच बात है कि दोस्तों वीज़ा स्टंपिंग नहीं होगा, लेकिन वीज़ा मिलेगा ऐसा कुछ नहीं। हाँ आप अगर छुट्टी जाओगे या फिर वापस अगर आना है इंडिया से, तो उसके लिए दोस्तों आपके पासपोर्ट पर तो वीज़ा नहीं है, तो उसके लिए आपको इमरत आईडी लेकर लाजम ना ज़रूरी है, क्योंकि इमरत आईडी में ही सारा वीज़ा का सिस्टम है। अगर वो इमरत आईडी लेकर नहीं जाओगे तो फिर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। इसलिए आप यहाँ से छुट्टी जा रहे हो तो अपने आईडी लेकर ज़रूर जाए, पहले ऐसा ज़रूरत नहीं था, लेकिन जब से पासपोर्ट पर जो वीज़ा है वो स्टंपिंग होना बंद हो गया, यूएई के किसी भी स्टेट में रहते हो, सारे स्टेट ने गवर्नमेंट एक साल पहले ही अपडेट जारी करके बताया है कि अब किसी का भी, हाँ पहले जिसका हो चुका है दोस्तों उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसका नहीं हुआ है